जी सर। यहाँ थाने कोई लेडीज कंप्लेंट करने आई थी अभी? हाँ सर, एक लेडीज आई थी। हाँ तो फिर क्या मैं बैठा हूँ क्या रात को सुनने के लिए? फिर नहीं, वो चली गई सर, वो कंप्लेंट ले ली थी सर ने, मालवा राम सर ने बात कर ली थी और तो कोई बात नहीं थी, भेज दिया उसको। कंप्लेंट क्यों ले थी उससे? उसकी रात को कंप्लेंट देने के लिए आई थी वो रात को 1 बजे, वैसे 5 का टाइम था ये। अभी नहीं आई सर वो है? अभी नहीं आई, कब आई है? 11:30-12 बजे तक आई थी वो। हाँ तो 12 बजे दिन का टाइम था, ऑफिस 10 से 5 का टाइम में खुला हुआ था, कंप्लेंट लेने का टाइम था। कोई इमरजेंसी होगी तब घर से निकली होगी धक्के खाने तुम्हारे यहाँ। तुम यहाँ रोटियाँ तोड़ करके बैठ करके तुमने भेज दिया उसको वापस दे करके, तुम गवर्नर लग रहे हो यहाँ पे। सर वो उसकी फैमिली के साथ आई थी। उसकी फैमिली के साथ आई थी, आइए भेजा आप लोगों ने। यहाँ डीसीपी लग रहे हो तुम, यहाँ आके बैठ गए यहाँ पे, किसी ने अपने दिमाग का दुड़ाया आके रात को रात हो जा रही है ये तुम्हारे पास? सर मालवा राम सर ने अटेंड की थी, मुझे नहीं पता। मालवा राम क्या बाढ़ में लाइए उसको, भेजिए उसको यार, रोटियां तोड़ने के लिए नहीं आया मालवा राम। उसके बाप का तनख्वाह नहीं मिलती यहाँ से फ्री की? मेरे को फोन करेंगे वहां से, दिन में आप बांध पी के बैठे हुए यहाँ पे, 10 से 5 का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, कोई आदमी निकल रहा था, आपने कंप्लेंट दी, शिकायत थी उसकी, रात को तुम्हारे दरवाजे धक्के खा के गया, तुम गूंगे की तरह पहले की तरह यहाँ बैठे हुए सारे। दिल्ली में एक तरफ अपराधों की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस उतनी ही ढीली नजर आती है। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस का ये भी दावा होता है कि वो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है, तो दूसरी तरफ समय आने पर FIR, घटनाओं में पहुंचना आदि जैसे काम वो हमेशा लेट करती है और वहां पर लेट पहुंचती है। ऐसी ही एक खबर सामने आई है जहां पुलिस के पास जब पीड़ित FIR लिखवाने गए तो उन्हें वहां से सीधा भगा दिया गया। वहीं अब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो बहुत काफी वायरल हो रहा है। ये ऑडियो BHD नगर द्वारका डिस्ट्रिक्ट की है, जिसमें SHO स्टाफ की लड़की से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से पता चलता है कि दिल्ली पुलिस आम लोगों के लिए कितनी सतर्क रहती है, क्योंकि एक दूसरे पर बात थोप कर काम को आगे बढ़ाना ये अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन उसको सुलझाना कभी भी नहीं। वहीं तेज तरार इस ऑडियो की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि दिल्ली पुलिस दिल्ली में आखिर कितना लोगों के साथ रहती है और कितना अपराधियों के साथ, कमेंट करके जरूर बताएं। जी सर। यहाँ थाने कोई लेडीज कंप्लेंट करने आई थी अभी? हाँ सर, एक लेडीज आई थी। हाँ तो फिर क्या मैं बैठा हूँ क्या रात को सुनने के लिए? फिर नहीं, वो चली गई सर, वो कंप्लेंट ले ली थी सर ने, मालवा राम सर ने बात कर ली थी और तो कोई बात नहीं थी, भेज दिया उसको। कंप्लेंट क्यों ले थी उससे? उसकी रात को कंप्लेंट देने के लिए आई थी वो रात को 1 बजे, 10 से 5 का टाइम था ये। अभी नहीं आई सर वो है? अभी नहीं आई, कब आई है? 11:30-12 बजे तक आई थी वो। हाँ तो 12 बजे दिन का टाइम था, ऑफिस 10 से 5 का टाइम में खुला हुआ था, कंप्लेंट लेने का टाइम था। कोई इमरजेंसी होगी तब घर से निकली होगी धक्के खाने तुम्हारे यहाँ। तुम यहाँ रोटियाँ तोड़ करके बैठ करके तुमने भेज दिया उसको वापस दे करके, तुम गवर्नर लग रहे हो यहाँ पे। सर वो उसकी फैमिली के साथ आई थी। उसकी फैमिली के साथ आई थी, आइए भेजा आप लोगों ने। यहाँ DCP लग रहे हो तुम, यहाँ आके बैठ गए यहाँ पे, किसी ने अपने दिमाग का दुड़ाया आके रात को रात हो जा रही है ये तुम्हारे पास? सर मालवा राम सर ने अटेंड की थी, मुझे नहीं पता। मालवा राम क्या बाढ़ में लाइए उसको, भेजिए उसको यार, रोटियां तोड़ने के लिए नहीं आया मालवा राम। उसके बाप का तनख्वाह नहीं मिलती यहाँ से फ्री की? मेरे को फोन करेंगे वहां से, दिन में आप बांध पी के बैठे हुए यहाँ पे, 10 से 5 का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, कोई आदमी निकल रहा था, आपने कंप्लेंट दी, शिकायत थी उसकी, रात को तुम्हारे दरवाजे धक्के खा के गया, तुम गूंगे की तरह पहले की तरह यहाँ बैठे हुए सारे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप